नागरिन प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मां आवां जो मेज़बान शकील सुमरो। नागरिन प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मुख्तलिफ़ वक्तन ते सियासी सूरताल, मुआशी सूरताल, मुल्क जे सिक्योरिटी इशूज़ आन उनते मुख्तलिफ़ रुखन का तज्जिया जे शामिल कंदा रहा हूँ ए उनते तबसरा भी थींदा रहा है। मुल्क जी सियासी मुआशी जेका सूरताल है अज जैं मुल्क में जो रियासती बहरान है जुडिशरी के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से, सियासी ए मुआशी के हवाले से, उन तारीख में जो वासूँ अस बिफोर पार्टीशन उन रूट काज गोलिंदूँ तो वो अस हिस्ट्री में झाती पाणी पवी ए कुछ तल्ख हकीकतू जो तल्ख हकीकतू भी असें सामू आणी पवंद जेस तीन वो तल्ख हकीकतू जो सजे पेंडोरा बॉक्स के न खोलिंदूँ तेस तीन रूट काज जो है मेन जो इनको सबब है बोहरान जो अस उन न पहुंची सकूँ ए अजो के प्रोग्राम में अस कोशिश कंदूँ तो बिफोर पार्टीशन ही जो मुल्क नओ मुल्क वजूद में आयो आया वो कें स्कीम तहत हुयो वो अमेरिकन ब्रिटिश जी का स्कीम हुयो स्कीम हुई उन तहत ही मुल्क वजूद में आयो ए मुल्क में 75 साल गुजरी वे अज ही सूदो डेमोक्रेटिक जेका इंस्टीट्यूशन आन वो एम्पावर छो को सकिया उन सबब कड़ा उनो जिम्मेवार केर है पा अज सजे तारीख जहाँ मुख्तलिफ जो वर्क आन उन्हें खोलने की कोशिश कंदूँ। प्रोग्राम में असें जॉइन किया है नालेवारे सीनियर सियासतदान सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब जैसी तारीख ते तमाम गहरी नज़र आए। डॉक्टर साहब पा इन वक्त जो बहरान है मुख्तलिफ रियासत के अंदर बहरान है उनके पा रूट काज से वन पा जैसे हिस्ट्री के खोलिंदूँ तो बिफोर पार्टीशन तुम कें ो जे अज जहा बहरान है उन्हें जो बहरान जो बिज कदें छिटो वो बिफोर पार्टीशन जो नओ मुल्क वजूद में आयो वो सोवियत यूनियन के काउंटर करने लाय का स्कीम हुई ब्रिटिश अमेरिकन गवर्नमेंट की अवं कि तारीख में जैसे जाती पाजे तो अवं कि सजे मामले के तुम कें धरसो सही अंग्रेज इतने जो आयो ब्रिटेन सब कॉन्टिनेंट में वो जो सिंध की जो तारीख या पंजाब इन जनरल दिसूं तो 1850 में जेका इंडिपेंडेंट वॉर या म्यूटनी या जैसे भी नालो दियो पर 100 साल पहरी जेका उन्हें जेको है सो ईस्ट इंडिया कंपनी पांजो बंगाल ते कब्जो कयो हो वॉरन हेस्टिंग वॉज गवर्नर जनरल पांजो उनखा पो जेको है सो उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी जेका भर्ती कयूं लोकल फौज की वह एतरी थी वही जो ब्रिटिश क्राउन जो है सो परेशान थी वो 1857 में उन्हें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सब पावर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट वरता तो हाँ उन 1857 में डायरेक्ट क्राउन जो इंटरफेरेंस माना यूके जो जो किंग जो इंटरफेरेंस थी वो उन सो उन्होंने 1885 में कांग्रेस ठाई जो त मानुन के अग्या वधाण जे लाइ सुठी हिकड़ी सोशल क्लब हूंदी पोइ अॻिते उहो पार्टी ठही ऐं 1906 में जेको आहे सो मुस्लिम लीग ढाका में ठही ऐं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में आहिनि त मुस्लमाननि चयो त असांखे सेपरेट कम्यूनिटी करे लिखो वञे पर इन जी बि हिस्ट्री पोयां शाह वली उल्लाह जमालुद्दीन अखवानी ऐं पंहिंजो जेके बि कम्यूनल या जेको सो मज़हबी तौर ते जेके माण्हू हुआ सर सैयद अहमद ख़ान उन जेके चयो त मुसलमान अलॻि आहे ऐं हिंदू अलॻि क़ौम आहे ॿिए पासे मुसलमाननि जे अंदरि बि अहिड़ा स्कूल ऑफ थॉट हुआ जिन इन चीज़ खे एक्सेप्ट कोन कयो वकैफ इहा जेका आहे सा मुस्लिम लीग जेका ठही ऐं मुस्लिम लीग डिसफंक्शनल हुई 1940 ताईं या 37 ताईं उन खां पोइ जेको आहे सो क़ाइद अज़म जेको आहे सो इंग्लैंड वियो हलियो बदिल थी करे जॾहिं 37 में उहो मोटियो ऐं कौ मुस्लिम लीग जो सदर बि हो पोइ 1940 में जेका करारदात आई उहा करारदात पाकिस्तान जंहिं चयो त पाकिस्तान ठहंदो पर हिस्ट्री में हिकिड़ी ॿी चीज़ जेका आहे सा माण्हुनि खे ख़बर कान्हे त उहो करारदात खां हिकु महीने खां पोइ जेका मार्च में आई हुई अप्रैल में अलाबाग सूमरे दिल्ली में सॼे
सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान के जैमें मुख्तलिफ मकातिब फिक्र पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन आर्टिशन ऑर्गेनाइजेशन जेके न्यूली कन्वर्टेड मुसलमान उनके कठो कयो हो। यो अंग्रेजी अखबार में इश्तियाक अहमद की किताब में उन चीजों जिक्र भी है। वो अंग्रेज जेके सो न्यूज़पेपर्स में यो लिखन था तो 40 वारी जेका करारदाद लाहौर में पास थी हुई उनकी जेके गैदरिंग की अगर कंपेयर कयो दिल्ली वारी जेका सा अलाबख्श सुमरे तो अलाबख्श सुमरे वटे वधिक माण्हू आया हुआ। अलाबख्श पंहिंजे हर मां ॾिनी हुई पैसा जॾहिं त हू जेको सो डीसी एसपी सपोर्ट हुई। अख़बारनि में लिखियो आहे जेको इश्तियाक अहमद जी जेका किताब आहे जिना सक्सेस इज़ फेल्यूर एंड इज़ पार्ट इन द हिस्ट्री में जेका 800 पेज थिए उनमें हू रेफरेंसिस ॾिना आहिनि। चलो उनखां पोइ कैबिनेट मिशन ठही जंहिंमें इहो हो त हिकिड़ो लूज़ कॉन्फिडेशन थींदो ऐं उहो जिना साहिबु एक्सेप्ट कई हुई पोइ वरी नेहरू साहिबु एक्सेप्ट कोन कई ऐं अल्टीमेटली जेको आहे सो हाणे इते ॿी जेका ॻाल्हि तव्हांखे जेका टेक्निकल ॻाल्हि आहे उहो ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी जेका आहे सा उन्हनि अंग्रेज़नि उन्हनि खां वरितो 46 में त जेको आहे सो इंडिया पाक इहो पार्टीशन थिए न थिए। पहिरीं इंपीरियल ब्रिटिश आर्मी राज़ी कान हुई कि न थियणु खपे। पोइ वरी उन्हनि चयो मार्च में 47 में त भले इहो थियणु खपे छो जो असांजी ॻाल्हियूं ॿोलियूं ठही वियूं आहिनि त असां इहो जेको आहे सो असांखे रूट्स मिलंदियूं लैंड रूट्स ऐं जेको आहे सो समंदरी रूट्स ऐं जेको आहे सो एयर स्पेस मिलंदो सोवियत रूस खे रोकण जे लाइ फ्यूचर में जेको ऑयल सॼो हिते वञे थो इन जे हवाले सां ऐं पोइ तव्हांजे साम्हूं आहे पार्टीशन ठही वियो। हाणे इन में जेको रोल अंग्रेज़ जो वधीक हो जॾहिं रेड क्लिफ हिते आयो त रेड क्लिफ खे चयो वियो त बाउंड्रीज़ खे जेको आहे सो तव्हां डीमार्केट कयो पर साॻे वक़्त में हुनखे फाइल ॾिनी त बाबा इन फाइल ते थींदो त हिस्ट्री में लिखियलु आहे त रेड क्लिफ त हैरान थी वियो त इहो फाइल चर्चल वारनि जेको सो 1935 में जेको लॉर्ड विविल हो गवर्नर जनरल उहो ठाहे विया हुआ ऐं चयो बाबा इन ते जेका थींदी। त हाणे इहे सभु चीज़ूं अगरि असां चीज़नि खे जोड़ियूं त अंग्रेज़ शुरू खां सोचे वियो त हिते पहिरीं त अंग्रेज़ सोचियो त असां 1977 में जेको आहे सो असां छॾींदासीं सब कॉन्टिनेंट। इहो बि हिस्टोरिकली माउंट बेटन खे चयो वियो हो। माउंट बेटन खां पहिरीं विविल हो गवर्नर जनरल उनखे चयो वियो हो पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जी हशर इहो थियो जो अंग्रेज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कमज़ोर थी वियो फाइनेंशियली। आख़िर में अमेरिकन्स चवनि पिया त जेको आहे सो इहो इंडिया खे ताईं इंडिपेंडेंट कयो विदाउट पार्टीशन। उन्हनि जो ख़्यालु हो त हू काउंटर थी सघे थो रशिया खे ऐं चीन खे अॻिते हली करे उन्हनि जो ख़्यालु हो पर अंग्रेज़ जो ख़्यालु हो त न पाकिस्तान खे ठाहिणु ज़रूरी आहे जो असां लाइ फ़ाइदेमंद थींदो। किताबुनि ऐं डॉक्यूमेंट्स में इहे चीज़ूं लिखियलु आहिनि। डॉक्टर साहब हिते हिस्ट्री में 1920 खां अॻु जी जेका असां जेकॾहिं ॾिसूं त असांखे हिंदू ऐं मुस्लिम में एतिरा के डिफ्रेंसिस नज़र नथा अचनि। 1920 खां पोइ आहिस्ते आहिस्ते 1922 में कलकत्ते में झेड़ा थियनि था, रावलपिंडी में 1926 में झेड़ो थिए थो, पोइ लेट में हिते मस्जिद मंज़िलगाह जो झेड़ो थिए थो पियो। 1920 ताईं असां ॾिसूं था त अहिड़े क़िस्म जी असांखे सूरत हाल नथी नज़र अचे ऐं पोइ जहिड़ा थियनि था ऐं मामिलो अची टू नेशन थ्योरी ताईं अचे थो पियो। सबबु कहिड़ा आया, कंहिं इहे डिफ्रेंसिस पैदा कया, उनजो ज़िमेवार तव्हां कंहिंखे था सम्झो? ॾिसो जेको आहे सो अंग्रेज़ जेको आहे सो सिंध में 1843 में आयो ऐं 1849 में पंजाब में आयो ऐं तव्हांखे हिकिड़ी मज़े वारी ॻाल्हि शकील साईं ॿुधाई आहे, मां नौजवाननि खे ख़बर घटि आहे त रंजीत सिंह जेको आहे सो हुकमरान हो 90 साल जे लाइ या 70 साल जे लाइ पंजाब जो। त रंजीत सिंह ही जेको असां वटि हींअर के पी आहे सॼो इलाइक़ो, इहो रंजीत सिंह कॉन्कर कयो हो खैबर पास ताईं ऐं ब्रिटिश बलोचिस्तान जो कुझु हिसा ऐं कश्मीर, इहे सभु इलाइक़ा जॾहिं अंग्रेज़ रंजीत सिंह जी वफ़ात खां पोइ हुनजे पुट खे 10 सालनि खां पोइ शिकस्त ॾिनी, इहे सभु इलाइक़ा ब्रिटिश इंडिया में अची विया जेके हाणे जो NWFP सॉरी KP
कश्मीर ये सब ब्रिटिशन जा के मिलिया इंक्लूडिंग पंजाब तो पांजो चवण जो मतलब यो है तो उन्हीं का पो जड़े सिंध के शामिल कयो वियो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जैमें गुजरात राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र सजो हो अड़े नमूने टे प्रेसिडेंसी हुई जका हुई कलकत्ता प्रेसिडेंसी जैमें पंजाब भी हो यूपी भी हो बो महाराष्ट्र बो जो मद्रास प्रेसिडेंसी तो जैसे सिंध नवे साल तई रही हुई इनमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पो जैसे अस बॉम्बे प्रेसिडेंसी जैस तई सिंध हुई उन वक्त तई एतरा फसादात को लगभग सुमरो पॉलिटिक्स में हो उनके यो क्रेडिट वे तो हिंदू मुसलमान जो एकता रखे बिया भी हिंदू लीडर्स हुआ जी उन गड हुआ हिंदू सिंधी की गाल तो कें सिंध के हवाले से उन्हीं का जैसे अलाबख्श जो 37 की असेंबली में खटी आयो 43 में उनके शहीद किया मुस्लिम लीग इतने एंटर थी जैमें खोड़ो साहब भी हो सही जेम सैद भी हो बिया मानू जो वा वा हुआ मुस्लिम लीग में आया कम्युनल पॉलिटिक्स उन्होंने कई उन्होंने यह कोशिश न कई तारीखी तौर से कि हिंदू मुसलमान एकता रहे जो सदियों का रन तारीख़ी तौर से ये तल्ख हकीकतूँ हैं अगत हली कर जो चवन मगर तारीख़ में इनके इन हवाले से ऐसो तो ये कम्युनल लीडर्स हुआ ये सिंध जहा हकीकी लीडर को हुआ हाँ सागे वक्त में सिंधी हिंदू जो हुआ उन्होंने भी वो है तो उन्होंने एकता को पर मुसलमान अक्सरियत ही हुई 60% हुआ 40% हुआ वो को जैसे मुस्लिम 43 में जैसे अलाबख्श शहीद थो जो है सो मुस्लिम लीग एंटर थी वो कम्युनल पॉलिटिक्स हुई पाकिस्तान ठही वो पाकिस्तान जैसे ठही वो तो लट पलाण थी असानी जी 30% या 27-26% जी पॉपुलेशन हुई जी सिंधी हिंदुओं की हुई जो मिडिल क्लास हुई जैमें असो जो है सो पढ़ल लिखल भी हो कमर्शियल वाइज स्ट्रॉन्ग हो ट्रेडर हो वो सब लड़े वो इवन मैं हिंसा चेक किया तो घना एस 8-10 एस पीज हुआ सिंधी हिंदू 46-47 में सिंध सजे में डीसीज हुआ एसीज हुआ इरीगेशन ऑफिसर्स हुआ ये सब लड़े वह तो अस वही ब्लैंक जीरो ब्लैंक से बी रहासी कम्युनल पॉलिटिक्स हली हेट्रेड वाली पॉलिटिक्स हली पर असल जो सवाल जो तुम पुछा किया है तो हाँ यो कसूर यो की ठो सब कॉन्टिनेंट यो अंग्रेज में कसूरवार है चाहे उनकी प्लानिंग हुई अंग्रेज चाहया तो इंडिपेंडेंट छे वे अंग्रेज चाहया तो कैबिनेट मिशन प्लान से अमल थे जो लूज कॉन्फेडरेशन 10 साल तीन हुए वो वही फैसलो थे कि ए बी सी के हिसाब से ए में ये 4 सूबा हुआ बी में सजो हिंदुस्तान हो सी में बंग्लादेश वो या ईस्ट बंगाल वो हो वेस्ट बंगाल हो तो ये एट एंडे एक अंग्रेज जो है सो यो चीज़ हुई तो पार्टीशन थे पार्टीशन थी वो यह सारी हकीकत है उनमें कांग्रेस जो है सो उन भी रास पाए दिखार हा कई हा भरी जैमें महात्मा गांधी हुए जवाहरलाल नेहरू हुए वल्लभ भाई पटेल हुए उन्होंने तो बिल्कुल पार्टीशन थियण खपे कायद अजम जो तो हो तो पार्टीशन थे तो ये सब जो सो इनमें पार्टीशन हिं ती गाल हिं चई सो तो 1920 का अग में जका हिंदू ए मुसलमान में यूनिटी हुई उन यूनिटी के टुरण के लिए 1935 जो एक्ट आयो उन बाद में सिंध की बम्बई का जका आज़ादी थी 37 में तो उनमें जो जिमीदार तबको जाहिर है तो उते वन वोट वो तो सिस्टम को जो ढल भरी वो वोटर थी सकंदो हो तहां समझो ता जो ही मुख्तलिफ़ मां रुगो सिंध की गाल नथो कयां तो बहराड़न मां जो फ्यूडल जो रिप्रेजेंटेटिव वो असेंबलियन के अंदर आयो उन खां पोए अञा वधीक डिफरेंसेस पैदा थे सिंधी मुस्लिम में सिंधी हिंदू में जो जाहिर है तो सिंधी जो हिंदू वो हुए शहरन में अर्बन जो सेंटर हुआ उते हुआ बहराड़ी की पॉलिटिक्स में जैसे असेंबली के अंदर उनकी डोमिनेंसी थी तो उन्हें वधीक डिफरेंसेस पैदा किया रुगो सिंध न बल्कि असा दिसू ता तो बिन जो प्रोविंसेस हुआ गडियल हिंदुस्तान जहाँ उते भी असा की सूरत हाली बालों शकील सही तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जैस तई हुई 90 साल की तारीख जो है
जेका थोड़ी घणी असां ॾिठी आहे, अञा इन ते इलाही सिंध जे माण्हू खे कमु करण जी ज़रूरत आहे, सिंधी हिंदू ऐं सिंधी मुसलमान खे। त 90 साल जी तारीख़ एतिरी जांच, पर उन में एतिरा जेके न्यूज़ पेपर्स खे अगरि तव्हां ॾिसंदो, एतिरा सिंधी सिंध में फसादात कोन थिया। पर जॾहिं ख़िलाफ़त तहरीक उथी, जंहिंमें कांग्रेस जो तमामु एग्रेसिव रोल हो, जंहिंमें जिन्ना साहब हिन जे ख़िलाफ़ु हो हिन तहरीक जे, त उन में जेको आहे सो कम्यूनलिज़म ऐं हेट्रिड बिटवीन हिंदू ऐं सिंधी, हिंदू ऐं मुसलमान वधीक, सिंध हुजे ऐं सॼे हिंदुस्तान में हुजे, त इहा जेका आहे सा हिकिड़ी काउंटर प्रोडक्टिव ऐं रिएक्शनरी तहरीक हुई। ऐं अंग्रेज़नि जे चवण ते इहा तहरीक हली हुई। हाणे डॉक्यूमेंट्स आहिनि जंहिंमें मौलाना मोहम्मद अली जोहर ऐं शौकत अली जोहर ऐं अंग्रेज़नि जो एजेंट जो किरदारु अदा कयो हो हिन तहरीक में, जेके डॉक्यूमेंट्स आया आहिनि। त इहा तहरीक जेका आहे सो कम्यूनल जेको आहे सो पॉलिटिक्स हेट्रिड जी सॼे हिंदुस्तान ऐं सिंध में थई। ऐं बॉम्बे प्रेसिडेंसी बिल्कुलु उन सां जॾहिं असां अलॻि थियासीं, त उहो बि फ्रिक्शन वधायो सिंधी मुसलमान ऐं सिंधी हिंदुनि में। ऐं बॉम्बे प्रेसिडेंसी जेसि ताईं हुई तेसि ताईं इहे चीज़ूं कोन हुयूं, एडुकेशन बि हली पए। ऐं 1935 जे एक्ट खां पोइ तव्हां वरी ॻाल्हि त वन मैन वन वोट वारो कॉन्सेप्ट असां वटि पाकिस्तान में 71 में आयो, पर हिंदुस्तान में त 51 में अची वियो। पहिरीं त 10-12% माण्हू वोट ॾींदा हुआ, जंहिं वटि ज़मीन हूंदी हुई या ताजर तबिको हूंदो या पढ़ियल लिखियलु हूंदो, 12% माण्हू वोट ॾींदा या 15% या 10%। त उन में नेचुरली उहो सभु त माण्हू अगरि उहो वन मैन वन वोट वारो कॉन्सेप्ट हुजे हा त थी सघे थो सॼे हिंदुस्तान में चीज़ूं ॿियूं हुजनि हा, पर जेका सिस्टम हो उहो इहो ई सिस्टम हो जंहिंखे सभिनी एक्सेप्ट कयो, कांग्रेस बि कयो, हिंदू मुस्लिम लीग बि कयो, हिंदू महासभा बि कयो, जनसंघ बि कयो, कम्युनिस्ट पार्टी बि कयो, लेफ्ट जी पार्टीज़ बि कयो, 12% वारो जेको पार्टीशन खां पहिरीं वारो या अनडिवाइडेड इंडिया में जेको कॉन्सेप्ट हो। इन बि बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे त उन में उहे माण्हू आया जेके वेस्टेड इंट्रस्ट वारा हुआ ॿिन्ही पासे, ऐं उन्हनि कम्यूनल पॉलिटिक्स ऐं इन चीज़नि खे फ़रोग ॾिनो। डॉक्टर साहब, असां ॾिसूं था जेकॾहिं हिस्ट्री जे अंदरि कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन में कांग्रेस खे उन वक़्तु लीड करे पियो कांग्रेस जो प्रेसिडेंट मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ऐं क़ाइद अज़म जे उन कैबिनेट मिशन में जेको डेलीगेशन आहे उनखे उहो लीड करे पियो। छा इहा ॻाल्हि सही आहे त कैबिनेट डिवीजन ताईं क़ाइद अज़म पाण इन में राज़ी कोन हो, इवन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जेको आहे उहो बि डिवीजन जे लाइ, पार्टीशन जे लाइ राज़ी न हो, हिकिड़ो सॉवरेन स्टेट तौरु त गॾियल हिंदुस्तान खे कुझु खाता ॾेई करे हिकिड़े फेडरेशन तौरु उनखे हलायो वञे। ओचितो इहो बि मां तव्हांखां सुवालु कंदुसि त जीअं सेकेंड वर्ल्ड वॉर खां पोइ चर्चिल खे इलेक्शन में शिकस्त आई, त छा इहो वाक़ई सही आहे त एटली जेको आहे उहो बि तकसीम जे हक़ में न हो? पोइ ओचितो जून 46 में हिकिड़ो रेज़ोल्यूशन अचे थो पियो ऐं तकड़ि में हिते बि अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल चेंज थी वञे थी। नेहरू जी स्टेटमेंट अचे थी, पटेल जी स्टेटमेंट अचे थी, काउंटर जेको आहे उनजो रिएक्शन में क़ाइद अज़म जेको आहे उहो बि अलॻि थी वञे थो। छा इहा वाक़ई सूरत हाल ईअं हुई त पोइ तकिड़ो जेको आहे मथां स्कीम आई ऐं पोइ हिन स्कीम जे नतीजे में ई सॼो सूरत हाल जेको आहे वञी पार्टीशन ताईं पहुती? ॾिसो, ॿ टे ॻाल्हियूं आहिनि। त आशा जलाल जी जेका रिसर्च आहे उन में उन इहो चयो आहे के बाबा जेको आहे सो कैबिनेट मिशन प्लान क़ाइद अज़म एक्सेप्ट कयो हो। उन में 3 A, B, C हो। ए में जेको सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान ऐं KP हो। बलोचिस्तान त ख़ैर कोन हो, पर इहो जेको आशा जलाल ईअं थी लिखे। ॿिए पासे बी में जेको आहे सो UP, CP, BR ऐं इहे सभु इलाइक़ा हुआ। ऐं सी में जेको ईस्ट ऐं वेस्ट बंगाल हो। त ए ऐं सी जेको आहे सो मुसलमान अक्सरती हुई ऐं बी जेको आहे सो हिंदू अक्सरती हुई। इन्हनि में 4 जेके खाता हुआ जेके कम्युनिकेशन आहिनि, डिफेंस आहिनि, फाइनेंस आहिनि, ऐं ॿी हिकिड़ी आहे उहो मर्कज़ वटि रहिया ऐं लूस कॉन्फेडरेशन वारो सिस्टम हले आ। इन में हिकिड़ी ॿी जेको फ्लॉ इहो त जेके प्रिंसली स्टेट्स हुआ, डेट वॉस 585 हिंदुस्तान सॼे में, उनजो को बि हिननि फ़ैसिलो कोन कयो। त इनखे जेको निगोसिएशन में आख़िर में जिन्ना साहब एक्सेप्ट कयो हो, आशा जलाल ई थी लिखे। ऐं जेके तव्हां न्यूज़ पेपर्स पढ़ंदा उन वक़्त जा उनमें बि ईअं आहे, पर उहो इन लूस कॉन्फेडरेशन ऐं उन चयो त इहो 10 साल हलंदो, 10 साल खां पोइ जेकॾहिं इहो
यो इम्प्लीमेंट कोन थी सको तो वरी हर जो है सो ए बी सी के आए तो इंडिपेंडेंट स्टेट ठे इनके कांग्रेस एक्सेप्ट कोन कर जैसे कांग्रेस कोन कर तो वरी जना भी रिफ्यूज करे छी तो ये जो को लास्ट एक अटेम्प्ट हुई तो जो है सो इनके हिंदुस्तान गड हुए वो खत्म थी वो उन्हीं का पो जो है सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सो अंग्रेजन के फाइनेंशियली वो नुकसान थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका पो एक बी चीज जगह इतने जिक्र करना जरूरी है जो तारीख में आजकल सरफेस से थी है वह है सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस जो सदर रो हो ब दफा ए महात्मा गांधी से कौन थो वो चवन तो अंग्रेजन के रेजिस्टेंस से गडजे उन वरी आखिर में जो है सो जापानी सा उनको सो इंडियन नेशनल आर्मी ठाई जी सिंगापुर में उन्होंने हेडक्वार्टर किया सो बर्मा कलकत्ता तुगा सुभाष चंद्र बोस मिस्टीरियसली प्लेन हादसे में खत्म थी वो तो इंडियन नेशनल आर्मी जो वो इन्फ्लुएंस हो सजे सबकॉन्टिनेंट से उन्होंने वो जो जैसे शिकस अची वही है उन्होंने जैसे लाल किले में केसेस हलन शुरू थिया तो ब्रिटिश इंपीरियल इंडियन आर्मी में जो लोकल जो लखा मानू हुआ उनमें भी जो अंग्रेज के खिलाफ नफरत थी उन्होंने बगावत कई कराची में वही बगावत थी हुई पार्टीशन का पेरी जो है सो नेवी की बगावत थी हुई वही आर्मी में भी थी इंडियन नेशनल उनके जो है सो उन अंग्रेज सख्त घबरा 46 में उन्होंने इटली वाल हाँ छड़नो पवो न तो ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी में जो बगावत थे थी तो अंग्रेज सस्टेन कर यो हिस्ट्री जो वो भाव है जो डिस्कस न पाकिस्तान में तो थे पाकिस्तान में थे ही को तो हिंदुस्तान में हाँ शुरू थो है डिस्कस कर जैमें सुभाष चंद्र बोस जो वो इम्प्रेसिव सुठो रोल नजर पो अचे तारीख के हिसाब से वो महात्मा गांधी से ठो को वो सेकुलर भी हो उनकी आर्मी में मुसलमान भी हुआ हिंदू भी हुआ सिख भी हुआ सब हुआ तो हाँ ये सब जो चीज़ों जोड़ियों तो पो जो है सो लॉर्ड माउंटबेटन के चयो हुए तो 48 में तक आज़ादी देनी है तो पार्टीशन करना है पर 47 में कर छोड़ो हाँ एक बी चीज सरफेस आई है जी अ डॉक्यूमेंटेशन से पे भी तो कायदेजम के लिए जो उनके ट्रीट कह डॉक्टर उन इनके लंग्स जो है सो प्रॉब्लम है यो है ट्यूबरक्लोसिस जो इलाज को दरियाफ्त ट्यूबरक्लोसिस में पेनिसिलिन कान आई हुई एंटीबायोटिक्स को आई हुई तो कायदेजम के खबर हुई उनके मालिज के तू यो सीक्रेट रख चाहिए उन सीक्रेट रखो पर चवन था तो यो लॉर्ड माउंटबेटन के MI5 खबर पड़ी वही तो जिना सर्वाइव करे कौन सको इन कर तकड़ तकड़ में 47 में उन्होंने आज़ादी दिनी है न तो उनको मैंडेट हो 48 ती हाँ ये एक नई चीज हिस्ट्री में आई है पर बरकैफ एक मुल्क ठही वो हाँ उनके अगैणो है जो भी है बिन्हीं मुल्क के अगैं खपे तरक्की करें खपे डॉक्टर साहब पान वरी शहीद अलाबक सुमरो के दौर से अचूँ तक प्री पार्टीशन हो हकीकत है अलाबक सुमरो के प्रेशर मुस्लिम लीग के तरफा उन वक्त की जो लीडरशिप ही वेदो हो या तो हु मुस्लिम लीग के जॉइन करे या कांग्रेस से जो उनको इलाको वो खत्म करे जैसे उन इनकार तो उनकी गवर्नमेंट के डिस्टेबलाइज करण के लिए यो मस्जिद मंजिलगाह जो जेड़ो हथ वी वाया वो इज इट ट्रू ऐसो टू नेशन थ्योरी जैसी बुनियाद से पार्टीशन थो टू नेशन थ्योरी के अगर तुम स्टडी कौ तो वो उनमें तुम सिर्फ सिंध न रखो सजो जो है सो भरे सगी रखो उनमें तुम ऐसो तो तमाम जड़ो ब्यूटिफुल सिंध हो जैमें मुस्लिम हिंदू बी कम्युनिटीज इतने पाँचो जो है पारसी कम्युनिटी भी हुई पार्टीशन का पेरी जो असि यहूदी भी सेटल्ड हुआ अड़े नमूने पंजाब में हिंदू मुसलमान जो है सो सिख तमाम सुने नमूने पे रहा वो केपी में भी सिख ठीक ठाक सेटल हुआ चाहे जो सिख रंजीत सिंह ये सजो इलाको पांजे हथ में रखे हो तो सिख ठीक ठाक हुआ
केपी में अफगानिस्तान तई तो बाय डिज़ाइन ये सजे बरेसगीर में बंगाल में तुम ऐसो तो 1906 में जैसे पार्टीशन थो तो उते हिंदू मुसलमान कट्ठा थी चाहिए तो पार्टीशन ऑफ बंगाल न थे तो बाय डिज़ाइन हर जगह जो है सो जैमें सिंध भी शामिल है तो उते जो है सो यो जेड़ो है फसाद उनके अंग्रेज़न खुद डिवाइड एंड रूल कर बिटवीन मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ उन में मुख्तलिफ मानू शामिल हुआ जैमें शाह वली उल्ला भी हुए जो है सो जमालुद्दीन अखवानी जो तो मु कल पढ़ो आई वॉज वेरी मच सरप्राइज तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको वो जो पी हो ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिम हो वो जो है सो जमालुद्दीन अखवानी अफगानिस्तान में भी आयो दिल्ली में भी आयो सर सैद से भी मिलो सर सैद से ठो फोन वो पेरिस भी वो लंडन भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एम्प्लॉय हो ब्रिटिश एजेंट हो उनको कम ही हो अज उन सो जमालुद्दीन अखवानी का इतने जो मौलाना मौदूदी की टीचिंग अली कुतुब हसन बिन बाना जो इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड ठाई जो अखवान मुसलमीन के नाले से है उनके भी हुआ जो भी राइटर्स हुआ हाँ उन जमालुद्दीन अखवानी लाइक के केंद्र मल चुनता तो शी हो केंद्र मल चुनता सुनी हो पर हाँ खबर पे तो ब्रिटिश एजेंट हो जो मुसलमान में इन वक्त सारी दुनिया में नफरतों जेड़ो टेररिज्म है उनमें बेसिक जो जमालुद्दीन अखवानी है उनका पे शाह वली उल्ला उनका तुम तो ये सब जो मू हुआ इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली टू नेशन थ्योरी की उन्होंने सपोर्ट कई उन्होंने उन्होंने तो मुसलमान हिंदू कट्ठा ना रही सकन तो बे पास सो बया राइटर्स भी अड़ा उभरिया मुख्तलिफ वक्त में सजे मुस्लिम वर्ल्ड में जिन तो सब कट्ठा रही सकन था पर बैर कैफ हिस्ट्री फेवर उन्हें कई ए सिंध में भी तुम ऐसो तो मंजिल मंजिल का फसाद भी कंस्पेरेसी है ब्रिटिश की जैमें इतने जो एकता हुई हिंदू मुसलमान की वो तोड़ो वो अलावा सुमरे से प्रेशर हो या न हो वो शुरू का एक सेकुलर सोच हो उन ही भुरगड़ी साहब जो वक्त पेरी गुजारे वो भुरगड़ी साहब गुलाम अहमद भुरगड़ी जी उन भी कोशिश कई इन इन बिन्ही की वक्त का पेरी मौत जो सिंधी मुसलमान सिंधी हिंदू की एकता खत्म कयो उनका पो जो को खोड़ो साहब आयो या सही जी एम सैद आयो या जो बिया हिदायतुल्ला गुलाम हुसैन वारा आया उन कम्युनल पॉलिटिक्स कई जैमें हारून फैमिली इन भी कम्युनल पॉलिटिक्स कई इन कोशिश को कई तो हिंदू मुसलमान एकता थे जी एम सैद 42 में मिनिस्टर हो वो तो बिहार वो उनके भी उतने फसादात थे 42 की गाल है जो बिहार कॉलोनी कराची में सही जी एम सैद ठाई अची कर ये तारीख़ी हकीकत है जो नौजवान की घट खबर है तारीख खुली कर डिस्कस थे खपे उनमें जो रोल है हाँ तो वो चीज वापस को थी सकन पर ईमानदारी से रोल्स तो हर मानू जो अचन खपे डॉक्टर साहब जी टू नेशन थ्योरी जेका हिस्ट्री में वो बाय डिज़ाइन अंग्रेजन चाहे पे तो ये ही उनकी तकसीम थे टू नेशन थ्योरी मुल्क पार्टीशन थी वजे थी डिवीजन थी वजे थी नो मुल्क वजूद में अचे तो कायदे अजम जो मुल्क जो बानी हो उनकी एक तकरीर जो रेफरेंस दिनों वो है तो उन सेक्युलर जो उनमें थाट्स हुआ उनकी स्पीच में जडे बाय डिज़ाइन टू नेशन थ्योरी तहत बुनियाद रखी वह तो हि जो सेक्युलर रेफरेंस दिनों वे तो मुल्क के बानी की एकड़ी तकरीर जो तुम समझो ता वाकई स्प्रिट के लिहाज से कायदे अजम ये चाहे पे तो नए मुल्क में सेक्युलर निज़ाम हुए या तुम समझो ता उन महज एक स्पीच हुई जी मुख्तलिफ एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हों मुख्तलिफ हंधन मुख्तलिफ स्पीचिस कह रुगो स्पीचिस तीन महदूद हुई डिबेट इलाई हल पी मुख्तलिफ मू मुख्तलिफ गाल चवन पे आऊं समझान तो यह स्पीच के रखी करे असा जेके पाकिस्तान जा जेके शायरी हैं उन लाए एकड़ी कुछ ब्राइटनेस या कुछ जेका ऐसा सुठी एकड़ी अंडरस्टैंडिंग पैदा थी सके थी बिटवीन मुख्तलिफ कम्युनिटीज मुख्तलिफ रिलिजन बे पासे जेको है सो ये डिबेट भी है तो वो ई स्पीच कई
पर मां यो समझा तो वो स्पीच के अगर ऐसा माइनस कहूं था वो तो यो कम्युनल स्टेट थी वजे तो इन अंत सुठो को थींदो या जो रिजल्ट सुठा को हिड़ी वाइज स्पीच है जिना साहब की जहाँ असाज मशले रहा है कि भाई इतने हर को बराबर है हर रिलीजियस वो मू रही सके तो जो जोगिंद्रनाथ मंडल के जिना साहब इतने चंगू मुड़स कयो हो मिनिस्टर भी ठायो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो उनके प्रेसाइड भी कराई हुई जेस तीन जिना साहब हया तो मंडल साहब इतने हो जैसे वो गुजारे वो तो वो छड़े वो पाकिस्तान ही उन्हें वो लेटर लियाकत अली खान के लिखो जैमें उन्हें मूसा बायस तो रवियो रख पे वे मुख्य मुझे ट्रस्ट पाया को वे तो इन हिसाब से अगर दिखो वे तो जोगिंदार मंडल के यो भी क्रेडिट है बाबा अम्बरीकर डॉक्टर अम्बरीकर महाराष्ट्र में इलेक्शन हारा वो हो उनके बंगाल में उन खटायो हो पांजी सीट दई करे जोगिंद्रनाथ मंडल 22 वोट्स हुआ टोटल उनजा उन उनजे वोटन जे करे तां ईस्ट पाकिस्तान तां सा गट शामिल थियो तो हाँ जना साहब जी जेका ये स्पीच है उनके असां के मशलेरा रखन खपे इनजा मुख्तलिफ विजन्स आइन मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस आइन मां समझा तो असां के ये इंटरप्रिटेशन रखन खपे तो प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद पाकिस्तान इन स्पीच की बुनियाद से शूं अगर वी सन वो 18 अमेंडमेंट में शायद यह स्पीच इनकॉपरेट भी कई हुई है तो यो असो सुठो मशले रहा है जो रखनी पौधी हिस्टोरिकली इन मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन जैसे डॉक्टर साहब तुम लाइन से ही मौजूद रहो इन प्रोग्राम के कंटिन्यूसली बे पार्ट में खड़ी वनू था जारी रखूँ था इतने पर्यों हिस्सों जो इन प्रोग्राम जो वो पूरो थो नेक्स्ट जो एपिसोड है अस वो सुभाने जो है वो आनियर कंदासू पे वक्त थो है पे हिस्से जो पुजानी जो इजाज़त दींदा अल्लाह वाही।